नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करी हूँ बालों को लंबा और घना करने के लिए 12 रामबाण उपाय। नंबर 1, बालों को लंबा और घना करने के लिए उनको झड़ने से रोकने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी को एक कंटेनर में डालें। फिर इसमें नारियल तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल और ओलिव ऑयल डालें और इसको 2 दिन के लिए धूप में रख दे। फिर इसको हफ्ते में 2 बार अपने बालों की जड़ों में लगाए और हल्के हल्के हाथों से मालिश करे। ध्यान रहे कि कॉटन की सहायता से अपने बालों में लगाए। इस तेल को लगाने से आपके बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे, सफ़ेद भी नहीं होंगे और इस तेल को लगाने से आपके बाल घने और लंबे हो जाएंगे। नंबर 2, 1 कटोरी में दही ले, उसे गुड़हल के फूल, गुड़हल के पत्ते, मीठी नीम के पत्ते और आधा नींबू का रस डालें और सबको अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद बालों पर लगाएं। नंबर 3, नारियल तेल में नींबू डालकर लगाने से भी बालों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। नंबर 4, प्याज को पीसकर उसका 2 चम्मच रस निकालकर बालों की जड़ों में लगाएं। इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और शाइनी बनेंगे। नंबर 5, आंवले का मुरब्बा खाए। आंवले आप चाहे तो कच्चा भी खा सकते हैं। आंवले रोज खाना चाहिए, इससे आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे और झड़ेंगे भी नहीं। आंवले का तेल आप घर पर बनाकर बालों में लगाए। नंबर 6, एलोवेरा का सेवन करने से भी बालों को पोषण मिलता है और इससे बाल घने और मुलायम होते हैं, इसीलिए एलोवेरा अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। नंबर 7, रीठा और आंवला को मिक्स करके अपने बालों में लगाएं, इससे बालों को पोषण मिलेगा। नंबर 8, मेथी दाने को रात में भिगो दे और सुबह इसका पेस्ट बना ले और इसको दही के साथ मिक्स करके बालों की जड़ों में और बालों पर लगाएं। ऐसा करने से बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फायदा मिलता है। नंबर 9, आलू में विटामिन ए, बी और सी का भंडार होता है, इसीलिए बाल धोने से आधा घंटा पहले आलू के रस को बालों पर लगाएं और फिर शैम्पू से सिर को धो ले। नंबर 10, ध्यान रहे जब भी आप अपने बालों पर तेल लगाए तो हल्का गुनगुना करें, फिर रुई की सहायता से बालों पर तेल लगाना चाहिए और हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए। नंबर 11, बादाम के तेल में विटामिन ई की कैप्सूल डालकर बालों की जड़ों में लगाने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। नंबर 12, बालों को लंबा और घना करने के लिए हफ्ते में 2 बार खट्टी छाछ में मुल्तानी डालकर बालों पर जरूर लगानी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।